different nationalities around the world. Take a chance on a fascinating environment. सुनो उस तरफ जाके बैठो. हाँ उस तरफ. ये पेपर जो है ना. हाँ? पेपर ये सब सिर्फ लोगों को फंसाने का तरीका है. वो जगह लोगों के रहने के लायक नहीं है. मिसाइल्स के बारे में सुना है? वहाँ बच्चे मिसाइल को बॉल समझ के खेलते हैं. अगर वहाँ गए तो भगवान जाने बचोगे भी या नहीं. आप इतना जानते हैं तो वहाँ जा क्यों रहे हैं? मैं नहीं, मेरी वाइफ जा रही है. वो रही. आप जाइए. नेक्स्ट प्लीज. सॉरी मिस समीरा, बिना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के हम आपको नहीं ले सकते. Next, please. जरा इसे पकड़िए. कहाँ जाएंगे सर्टिफिकेट्स? फिर से चेक करो. मैंने इसी में सारे सर्टिफिकेट्स रखे थे. मैंने हजार बार कहा है ना कि सारे पेपर्स ऑर्डर में रखो. इसकी दूसरी कॉपी है कोई? और अगर नहीं है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा. सिर्फ इसकी वजह से वो मेरी एप्लीकेशन कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? मैंने आपको हॉस्पिटल आईडी दी है, कॉल करके कंफर्म कर लो. मुझ पे चिल्लाने से कुछ नहीं होगा. बिना वेरिफिकेशन के हम कुछ नहीं कर सकते. आप खुद हॉस्पिटल जाइए और उन्हें बोलिए कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मेल करें. मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया. नहीं सर, हम चारों को एक साथ सर्टिफिकेट मिला था, पर सर मेरा ही गायब हो गया है. लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? प्लीज सर, मेरे हाथ से चांस चला जाएगा. देखिए, संडे के दिन सर्टिफिकेट इशू करना बहुत मुश्किल है. उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो रुक जाए. अगर नहीं मानते हैं तो नेक्स्ट टाइम ट्राई कीजिए. सॉरी सर. तुम्हारे पास यूएई वाला एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है ना? वो दिखाओ और कहना कि नया सर्टिफिकेट जल्द मिल जाएगा. ठीक है? पापा ये शाहिद है, हमारे हॉस्पिटल में था. इसमें तो सारी ओल्ड फोटोज हैं, बाकी कुछ नहीं है. वो उसमें ही होगा, ध्यान से देखो. इब्रू तुम गेम खेलना बंद करो. तुम्हारा एग्जाम कैसा रहा? सच बताना. क्वेश्चन तो अच्छे थे. मतलब उसके आंसर्स नहीं पता थे ना? ये फोल्डर प्रिंट वाला ना? हाँ वही है. जल्दी खोलो उसे. मिला क्या? मिला क्या तुम्हें? मिल गया. ₹25. हाँ ये लीजिए. चल. सॉरी, ये 10 साल पुराना है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते. हमें आपका प्रेजेंट एक्सपीरियंस देखना होगा. ये आप क्या कह रहे हैं? मतलब 10 साल का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं कहलाता? हाँ हाँ. शांत रहो समीरा, यहाँ मेरे साथ. पर ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? मत करो, ये तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे. पर वो तो पहले ही मुझे रिजेक्ट कर चुके हैं. समझ सकता हूँ सर, हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग हैं और एक ही हॉस्पिटल में काम करते हैं. इसे एक मौका दे दीजिए, ये अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कल तक जमा कर देगी. प्लीज सर, ये इसका आखिरी मौका है. ओके, फिलहाल के लिए मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना नया एप्लीकेशन 3 दिन के भीतर मेल करना होगा. बिल्कुल सर, हो जाएगा, यकीन कीजिए. ओके, पासपोर्ट दीजिए. हमें तो वहां 6 महीने बाद जाना है ना? वैसे अच्छा ही है कि हम सब वहां साथ रहेंगे.
पता है ना शाहिद ने सिर्फ तुम्हारी वजह से अप्लाई किया, तुम उसे हाँ नहीं कह सकती क्या? इस पूरे ट्रिप में बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, मैं और भार नहीं उठा सकती। तो फिर तुम ये बात उसे भी बता दो ना, वो बेचारा खामा का इंतजार कर रहा है। क्या मैंने कभी उससे पूछा है? मैं नहीं चाहती मेरा कोई इंतजार करे। अब तुम उसकी तरफदारी करना बंद करो। हे भगवान, तुम्हारी इस हफ्ते भी नाइट ड्यूटी लगी है। मैं उस खड़ूस को देख लूंगी, हर बार यही करता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रिदम तो नॉर्मल है, बीपी चेक करना पड़ेगा। बीपी भी नॉर्मल ही लग रहा है, बेहतर होगा इसे सीसीयू में रख देते हैं। नॉर्मल है डॉक्टर, शिफ्ट करना पड़ेगा। ओके, हो जाएगा। मैं जरा उसे देखना चाहता हूँ। ये सब क्या बकवास है? हमेशा नाइट ड्यूटी मैं ही करूंगी। लेबर वार्ड में पहले से पेशेंट है और हमारे पास एक्सपीरियंस नर्सेस नहीं है। एक्सपीरियंस है, इसका मतलब ये तो नहीं हमेशा नाइट शिफ्ट मैं ही करूं? मैं ये सब नहीं सुनना चाहता। मैं एक इंसान के लिए पूरी शिफ्ट चेंज नहीं कर सकता। अच्छा तो आप मेरे डिवोर्स का फायदा उठा रहे हैं? हा? क्या कहना क्या चाहती हो? अब मेरा मुंह मत खुलवाओ। आपने पूरे 4 हफ्ते मेरी नाइट शिफ्ट क्यों लगाई है? अभी यहां सिर्फ मेरे 6 हफ्ते बचे हैं, नहीं तो मैं आपको अच्छे से बताती। इस बार नाइट शिफ्ट मैं कर लूं। समीरा भी नाइट शिफ्ट कर रही है इसलिए। जब जानता है तो पूछता क्यों है? इस बार नाइट शिफ्ट मैं करूंगा। फिर तो इस हफ्ते मैं जम कर सोऊंगा। अरे अरे छाता तो ठीक से पकड़। तुम्हें लगता है कि इराक में भी कोची जैसे खेले होंगे? तुम्हें पता है वो कितना दूर है? तुमसे नहीं हो रहा तो पड़ोस वाले को बुला लो। ये शादी करके अपने पति के साथ ससुराल चली जाए तो काफी अच्छा होगा। हम भी ये नहीं चाहते, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। वहाँ अच्छे पैसे मिल रहे हैं इसलिए ये फैसला किया। उसके खातिर अपनी जमीन को बेचना, सोच लो नुकसान में जाओगे, जबकि तुम्हें उस जमीन का बहुत अच्छे पैसे मिल सकते हैं। एक तलाकशुदा लड़की को 2 सालों के लिए बाहर भेज रहे हो, समाज क्या कहेगा? बैंक के फॉर्म्स हैं, एक नहीं बहुत सारे, हर एक में पेमेंट और उसकी डिटेल्स लिखी हैं। अगर आप इसे भर देते हैं तो हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे और ना मैं वहां जाऊंगी। तुम अंदर जाओ बेटा। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे पापा, ये जमीन माँ की है। हमारे ऐसा करने से इनकी जमीन की कीमत घट जाएगी, ये दिखावा इसीलिए है। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें उतना पढ़ा जितना मैं कर सकती थी, अब नौकरी करो और कमाओ। आप मुझे बार बार फोन क्यों कर रहे हैं? मैंने बोला है कि कैश जैसे ही आएंगे मैं भर दूंगी। पहले आप मुझे वीजा दिलाइए, फिर बाकी का दे दूंगी।
अनिका तुम मुझे ड्रॉप कर दोगे, लेट हो गई हूँ। क्या करोगी काम पे जाके? वैसे भी समीरा अम्मी को तुम्हारा काम पर जाना अच्छा नहीं लगता। ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें मेरे घर की सिचुएशन पता है ना, शादी से पहले मैंने सब बता दिया था। मतलब जो मर्जी तुम करोगी? ठीक है, मैं नहीं जा रही। बस तुम एक काम करो, अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मुझे दे देना, मैं उसे पापा को भेज दूंगी। तुम ऐसा कर सकते हो? बेटा हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें इस हालत में अपना ध्यान रखना चाहिए। बच्चे की कोई हरकत महसूस होती है? ऐसा नहीं है, मुझे लोन के बारे में कुछ नहीं पता, पर इसे ऐसे छोड़कर जॉब पर कैसे जाऊं? मैं तेरी हालत समझता हूं बेटा, बस इतना कहना चाहता हूं कि कुछ हो सके तो मदद कर दे। अबू आपने इसे पहचाना? मोहम्मद का लड़का वही है। बड़ा हो गया है। आप मेरे बर्थडे पर क्या गिफ्ट देंगी मम्मी? दूंगी ना, सरप्राइज है, छुट्टियों पर घर आओगी तब दूंगी। छुट्टियों में तो अभी बहुत दिन है, आप अभी क्यों नहीं आती? तुम्हें पता है ना मैं यहाँ काम करती हूँ, फिर कैसे आ सकती हूँ? मम्मी आपको पता है ना इब्रू 8 साल का हो गया है। हाँ जानती हूँ, पता है। मतलब अब मैं आपसे मिलने आ सकता हूँ, ठीक है ना? यहाँ की ड्यूटी नर्स कहाँ? उसे कोई इमरजेंसी आ गई थी। अरे उधर बच्चा रो रहा है और इधर नर्स गायब है, ये क्या हो रहा है? वो बस 5 मिनट के लिए अभी अभी गई है, आ रही है। तो मैं क्या करूँ, उसको रोते हुए देखता रहूँ? सिर्फ आपकी पत्नी ही यहाँ डिलीवरी पेशेंट नहीं है, वार्ड पहले से ही भरा है। देखिए ना रोए जा रहा है, दरवाजा बंद कर लेना, मैं अभी इसे लाती हूँ। सर अपने रूम में जाइए, आप यहाँ रुक नहीं सकते, जाइए यहाँ से, टेंशन मत लीजिए, चलिए। ये मत सोचना कि मैं थैंक्स बोलूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तो ड्यूटी टाइम पर अपने दोस्त की मदद कर रहा था। क्या हुआ कुछ? अपने बेटे से बात कर रही थी और किसी से नहीं। आज वो 8 साल का हो गया है, मुझे उसे बर्थडे विश करना था। अभी भी उसे यही लगता है कि उसकी माँ कहीं दूर काम करती है। मेरा कोई इरादा नहीं है कि तुम्हारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलूं, मैं बस चाहती हूँ तुम मेरे आसपास घूमना बंद कर दो। चलो कम से कम तुम मेरे बारे में सोचती तो हो। मुझे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं सोचना, तुम समझते क्यों नहीं? गुस्सा करना कम करो, मैं जानता हूं तुम ऐसी नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ प्यार का नाटक नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूं। जब पहली बार देखा मैं तभी जान गया था कि तुम परेशानी में हो। प्यार करता हूं तुमसे, तुम्हें समझता हूं मैं। तुमने बिना बताए इराक में जॉब क्यों ज्वाइन किया? अब क्या कहूं अम्मी, मुझे लगा करना चाहिए तो कर लिया। मैं इतना बड़ा तो हो चुका हूँ कि अपने फैसले ले सकता हूँ। अगर मैं तुम्हारे ऊपर बोझ हूँ तो मैं हसीना के पास चली जाऊंगी। हाँ बस वही सोचिए, 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में वो वापस लाकर यहीं छोड़ देगी। अम्मी तुम्हारे यहाँ शिफ्ट होना चाहती हैं, क्या बोलती हो? आप कहाँ थे? ड्यूटी पर। उसने जाने का फैसला कर लिया है, उसे जाने दो, मैं हूं ना आपके साथ, आप परेशान मत हो।
वहाँ की सैलरी यहाँ से 4 गुना होगी। इससे हमारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सच कहा, मैं अपना सारा कर्जा खत्म कर दूंगी और फिर एक मस्त घर लूंगी, और फिर कोई लड़का मुझसे शादी के लिए दहेज मांगेगा तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगी। सुनकर अच्छा लगा। ये देख, सद्दाम हुसैन के बंगले के पास हमारा हॉस्पिटल है। ये सद्दाम हुसैन कौन है? मैंने तुम्हारी नौकरी के बारे में सभी से बात की। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम डाइवोर्सी हो और तुम्हारी एज भी उतनी ज्यादा नहीं हुई है। आखिर वो लोग गलत भी नहीं है। कम से कम हमारी कौम में औरतें अकेले विदेश या बाहर नहीं जाती हैं। तो बेहतर होगा तुम उस नौकरी के बारे में भूल ही जाओ। मुझे नहीं लगता अब इसकी जरूरत है। अपनी प्रॉपर्टी तुम अपने पास ही रखो। अगर मैं शादी कर लूं तो सब खुश रहेंगे? मुझे हर कीमत पर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारी जॉब हमारे परिवार से बढ़कर है जो तुम जिद पर अड़ी हो। फिर मैं क्या करूं? मुझे मेरी फैमिली को देखना है। इब्रू यहां है, फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये फैसला तुमने अकेले ही ले लिया? ये मेरे बगैर कैसे रहेगा? देखो, ये यहीं पर रहेगा, इसी घर में, हमेशा के लिए। या तो जॉब चुन लो या फिर इब्रू को, फैसला तुम्हारा है। सारी बातें समझ गए? Yes. Sorry डॉक्टर, शाहिद से मुझे बात करनी है। Okay. Go, but don't be late. Okay sir. Right. तो मैं ये कह रहा था। क्या हुआ? बोलो। हे, समीरा। अब तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? मैंने ऐसा कब? तुम वहां जाने से पहले शादी कर सकते हो। सोच कर जवाब देना। पापा से कल बात करने आ जाना। उनसे बोलना कि मैं इराक अकेले नहीं तुम्हारे साथ जा रही हूं। कल की जगह अगर मैं उनसे आज मिल लूं तो? उसके साथ नहीं रहता। कोई भी माँ अपने बच्चे को छोड़कर नहीं रहती। मैं शादी की परमिशन नहीं दूंगी। आपसे परमिशन नहीं मांग रहा हूँ। इतने दिनों तक मैंने आपकी बात सुनी है, अब आप मेरी बात सुनिए। अम्मी, तुम मुझ में रहो, हरदम हंसती रहो, ये दुनिया मेरी कदर बिना। मतलब क्या है? वो छुट्टियों में तुम्हारे पास आएगा ना? एक मिनट। हाँ
हमें उसे अभी नहीं बताना चाहिए। शादी तुमने की है समीरा? मैंने नहीं। अपने बारे में बताओ उसे। हमारे इराक का वीजा आ गया है। इब्रू की वेकेशन तक मैं यहाँ नहीं रहूंगी। तुम आजकल में उसे भेज सकते हो, वैसे भी वो जगह ठीक नहीं। वो जिम्मेदारी अब मेरी नहीं है, तुम जहाँ चाहो उसे ले जाओ, बाकी डील के हिसाब से होगा। सुनो तुम उसे बहुत मिस करते हो ना? इस बार वेकेशन के बाद वो हमारे साथ होगा, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं, वो हमारा बच्चा है। तुम उसे मेरे बारे में क्या बताओगी? दो बार चेक किया, रिजल्ट सेम है। सुनो तुम मेरे लिए डॉक्टर सूजन से अपॉइंटमेंट ले लो। डॉक्टर अपने कमरे में है, ज़्यादा पेशेंट्स भी नहीं है, तुम अभी आ जाओ। ना नहीं आने, उनके घर पर शाम को जाती हूँ, और प्लीज़ इस बात को सीक्रेट रखना। तुमने शाहिद को ये सब बताया? चौबीस दिन का हो गया है पर हार्टबीट नहीं चल रही, आपका कोई प्रॉब्लम है क्या? सेकंड मैरिज की वजह से अबॉर्शन करवाना चाहती हैं? ऐसा नहीं है डॉक्टर, काफ़ी दिनों बाद हमें इराक में जॉब का चांस मिला है, इस कंडीशन में मुझे ये करना ही होगा और मैं उसे अफोर्ड भी नहीं कर सकती। ये रीज़न नहीं है डॉक्टर, ये अपने पहले बच्चे की वजह से अबॉर्शन करवाना चाहती है। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? अभी हार्टबीट भी नहीं चल रही है। मैंने ये नहीं कहा कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, बस इब्रू के चले जाने तक रुकने को कह रही हूं बस। अभी इसकी उम्र 31 साल है, अगर इसने अबॉर्शन करा लिया तो आगे परेशानी नहीं होगी क्या? आप एक नर्स हैं, आपको पता होना चाहिए आगे पता नहीं बच्चा होगा या नहीं। मैं ये बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं डॉक्टर। ये इब्रू कौन है? मेरा फर्स्ट चाइल्ड इब्राहिम, उसे अभी भी हमारे डिवोर्स के बारे में नहीं पता। इब्राहिम 5 महीने बाद आएगा डॉक्टर, इसे डर है कि इब्राहिम बुरा ना मान जाए। मैं और कर भी क्या सकती हूँ, वो वैसे ही मुश्किल में है, अगर उसे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप दोनों बात करके फैसला ले लीजिए फिर यहाँ आइए। इसमें बात करने वाली कोई बात नहीं है। रुको, कहाँ जा रही हो? मेडिकल सेंटर, मेरी नाइट शिफ्ट है। तुम्हारी डे शिफ्ट थी ना? जिनसी लीव पर है, मैं उसकी शिफ्ट कर रही हूँ। चलिए। अगर बीपी कंट्रोल में है तो उसे डिस्चार्ज कर सकते हैं, जल्दी आओ। हाँ, पिछली बार की तरह नहीं होना चाहिए, डॉक्टर संजीव सब चेक करते हैं। दीदी पैसे के लिए ओवरटाइम करके तुम मरना चाहती हो क्या?
कल रात मुझे इसने बताया, मैं उसी वक्त आना चाहती थी तुमसे मिलने। अब तुम्हें नाइट ड्यूटी नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए बेटा। ये अच्छा हुआ बेटा, मैं तेरे लिए खुश हूं। क्या वो सच में विदेश जाना चाहती है? उसे जाना ही होगा, उसका वीजा आ चुका है। उसे कैंसिल करा दीजिए। अब बहुत देर हो चुकी है, हम पहले 2,00,000 भर चुके हैं ना, वो वापस नहीं मिलेंगे। तो क्या पैसा ही सब कुछ होता है? बेटा क्या हुआ तुझे? क्या हुआ? तुमने कोई दवा ली है? तुम खुद एक नर्स हो, इस कंडीशन में पिल्स नहीं लेनी चाहिए थी, पता है ना तुम्हें? अच्छा हुआ कि बेबी सेफ है। तुम्हारे जाने के बाद शायद यहां मुझसे मिलने आया था, वो सिर्फ तुम्हारी सेहत को लेकर परेशान है। रोज एक टैबलेट लेनी है, अगर इस पर डिपेंड हो गई तो फिर तुम डिप्रेशन में भी जा सकती हो। तुम्हारे अंदर एक जिंदगी बल रही है, तुम्हें पास्ट को भूलना होगा। इन टैबलेट्स के बिना सोने की आदत डालनी होगी। तुम्हें इस बच्चे को जन्म देना चाहिए और एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। तुम उससे मिल सकते हो, इस बारे में ज्यादा बात मत करना। ये सब क्या है? ये तुम जॉब के लिए कर रही हो ना? देखो, नर्स की नौकरी फुल डे रहती है, तुम 9 महीने तक काम करना चाहती हो, करो, किसने मना किया? लेबर पेन होते ही तुम यहां एडमिट हो जाओगी, ठीक है? तुम्हारे ऐसा करने से हमें ही फायदा होगा। एब्रू समझ जाएगा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? वो तुम्हारा बेटा है, हमारा बेटा है, उसे आने दो। हमारा बच्चा भी आने वाला है, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, मैं जानता हूं। डोंट वरी। यूसुफ, सौम्या जरा उठो। क्या हुआ दीदी? प्लीज सब कुछ ठीक है, अब हम जा सकते हैं। Thank you.
ले जा रहे हैं। चुपचाप बैठो। डोंट वरी, हम सब इराकी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ये आर्मी आपकी सुरक्षा के लिए है। ये जगह बिल्कुल महफूज है, जैसा आपने महसूस किया वैसा बिल्कुल नहीं। हम लोग चेक पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं, आप लोग अपना सर ढक लीजिए क्योंकि इराक एक मुस्लिम कंट्री है। सुनो, दुपट्टा डाल लो इस तरह से। हाँ, ऐसे करो। पासपोर्ट निकालो। ये रहा, मैं वॉशरूम से आती हूँ। शाहिद, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अपना पासपोर्ट मुझे देना। किस लिए? वो लोग मांग रहे हैं, टेंशन मत लो, दे दो। रुको, हम अपने ग्रुप को मैनेज कर सकते हैं, तुम जाओ। बहन, हम लोग सब साथ में आए हैं, फिर ग्रुप की बात क्यों कर रही हो? मैं तो बस मदद करना चाह रहा था। हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। सब ठीक है ना? सबको सही सलामत है, चेक कर लो। क्या आप सिम कार्ड की बात कर रहे हैं? हम यहाँ अभी अभी आए हैं, जब तक हम यहाँ ठीक से सेटल नहीं हो जाते अपना व्हाट्सएप और फेसबुक भूल जाओ तो। मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? सुनो, इन्हें हमारी मदद चाहिए। यहाँ एक एक्सीडेंट केस आया है और इनके पास स्टाफ नहीं है, ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आते ही शुरू हो गए। हम लोग अभी अभी 10 घंटे की जर्नी करके आए हैं, ये लोग हमसे ऐसा कह रहे हैं। जिसको जाना जाओ, मैं तो अपने कमरे में जा रहा हूँ। हम तैयार होके आते हैं सर। क्विक, हरी अलोंग विद दैट। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी इसकी ड्रेसिंग चेंज करो। हे, इस तरह से नहीं करना, समझे? ग्लव्स पहन के आओ, जाओ। प्लीज आइए। दिख नहीं रहा उसे कितना दर्द हो रहा है? क्या तुम्हें ऐसे इलाज करना सिखाया गया है? ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो, मुझे मेरी जॉब पता है, जो कहा है वो करो। एक्सीडेंट नहीं है, ये घाव के निशान बारूद की वजह से है। तुम ही तो यहाँ आने के लिए बेताब थी ना, इसी वजह से इतनी सैलरी दे रहे हैं। पर घबराओ मत, मैनेजर ने क्या कहा तुमने सुना? हम सभी इराकी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम लोग हस्बैंड वाइफ हो? जी हाँ, मैं हूँ शाहिद और ये है मेरी बीवी समीरा। मैं हूँ डॉक्टर तारिक। सर, तुम दोनों ने आज अच्छा काम किया,
यहाँ का सारा स्टाफ बहुत केयरलेस है। मुझे लगता है तुम दोनों को यहाँ का स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। बिल्कुल सर, जैसा आप कहें। ओके, बाद में मिलते हैं सर। मैं और मेरी पत्नी पिछले जून यहाँ लीबिया से आए, जबकि वहां भी भारतीय नर्सों को बहुत इज्जत मिलती है। मैं चाहता हूं तुम दोनों इसे अपनी जिम्मेदारी समझो, ना कि इसे सिर्फ काम की तरह लो। लेकिन यहाँ पिछले साल की तुलना में 30% मरीज बढ़े हैं, स्थिति बहुत खतरनाक होती जा रही है। शाहिद, एक बात बताओ, तुमने इराक को ही क्यों चुना? पहली चीज तो पैसा है, और दूसरा आप हमारे काम की इज्जत करते हैं। पर यहां ही क्यों, तुम्हारे ही देश में क्यों नहीं? इसे पहन लो, तुम मुस्लिम हो, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर, तिर्की तलीम हॉस्पिटल। पहचान के लिए आईडी दिखाइए। आईडी दिखाइए। हाँ ठीक है। यजीदी के डॉक्टर, चलो कार से बाहर निकलो, जल्दी चलो, अब भी जल्दी कार से बाहर आओ, चलो जल्दी जल्दी बाहर आइए। अप्रैल, मई, जून, 3 महीने में इब्रू वापस आएगा और 7 महीने में ये। है खुशियों में ढलने वाली हर एक बात है, हिम्मत का के चल मुस्कुरा के, ओ मेरी जाना, कोई नहीं है तेरे जैसा इस जहां में, जाना है मैंने तुझको अपना बना के, मेरी दुआएं तुम्हें लग जाए, ओ मेरी जाना। खुल के झील ये जिंदगी है प्यारी, लम्हा लम्हा देती खुशियाँ सारी, थोड़ा थोड़ा तू खुद को सजा ले अपने ही रंग में, मीठी मीठी सी बतिया बना के आने वाली जिंदगी सवारे, जो सपने हमने देखे थे अब होंगे पूरे सारे। धड़कन की तुम सुन ले, बिखरे सपने भूल ले, सागर की लहरों से सारे मोती चुन ले। धड़कन की तुम सुन ले, बिखरे सपने भूल ले,
महसूस ऐसा होने लगा है जैसे कि मुझको सब मिल गया है, ख्वाब अधूरे हो गए पूरे। रब ने दुआए अपनी सुनी है, सर पे उम्मीदों का नीला आसमां, बख्शेगा हमको एक दिन खुशियां तमाम। चल ऐसे मंजिले मिल गए, कभी तो रहमतें होंगी अता, ऐ खुदा कर रहम तू जरा। निसारे ने बुल्ले सागर की लहरों से सारे मोती चुन ले, धड़कन की धुन सुन ले बिखरे सपने बुल्ले सागर की लहरों से सारे मोती चुन ले। तीन घंटों बाद मेरी रिटर्न फ्लाइट है, अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो नहीं आया? नहीं। पिन नंबर पता है तुम्हें? परेशान मत हो, अब वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। और बताओ लाइफ कैसी चल रही है, तुम खुश हो ना? अब तुम्हें नई जॉब और नई फैमिली मिल गई है, इब्रू के फ्यूचर के बारे में तुम्हें फैसला करना होगा। तुम ये कब कहोगी कि उसे तुम्हारे पास नहीं लाना है? क्योंकि सच्चाई कुछ और है समीरा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। अब तो हालात भी पहले जैसे नहीं रहे, बिजनेस भी ठीक नहीं चल रहा है, सैलरी भी नहीं दे पा रहा हूं स्टाफ को। ऐसी हालत में तो इब्रू को मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुम हमेशा उसे अपने साथ ही रखना चाहती थी, इब्रू तुम्हारे पास ही रहेगा, सिर्फ वैकेशन में नहीं, हमेशा। अगर तुमने ये फैसला ले लिया था तो मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं बहुत मुश्किल से घर से निकल पाई हूं और अब 2 महीनों में सब कुछ बदल गया। अब मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। मुझे तो लगता है कि मेरा फैसला गलत था, तुम सच में सही थी, मैं ही गलत था। इब्रू को तुम्हारी जरूरत है, उसे तुम्हारी देखरेख की जरूरत है। इसका सारा सामान इसी में है, ख्याल रखना। चलता हूं। चले। घर कब जाएंगे? हम दादाजी से मिलने कब जाएंगे? जाएंगे। लेकिन कब? अभी नहीं, बाद में। बाद में कब? 2 साल में, तब तक मुझे यहाँ काम करना है। पर मेरे वेकेशन तो अभी खत्म हो जाएंगे। इब्रू, अब तुम यहीं पढ़ोगे। क्या? और पापा? पापा अब हमारे साथ नहीं रहेंगे।
ये बात उस वक्त की है जब तुम 4 साल के थे, तब मैंने तुमसे नहीं बताया। अब से तुम सिर्फ मेरे साथ रहोगे। पापा साथ नहीं है पर मम्मी तो है ना। ये ठीक है। ए, देख कौन आया। ये आंटी तुम्हें याद है? इब्रू यहाँ आओ। आओ, क्या तुम हमें भूल गए? कितना क्यूट है ना? बहुत बड़ा। सुनो ना, हम थोड़ा फ्रेश होकर आते हैं। हाँ, ठीक है, चलो बेटा। बाय, टाटा। इब्रू, ये मेरे फ्रेंड हैं, शाहिद अंकल। लो। हे, अभी नहीं, रूम में जाके देखना। अंकल को थैंक्स बोलो। थैंक यू। सो गया। तुम बाहर हो? मैं वहां आती हूँ। हाँ, अभी विजिटिंग वीजा पर है, हमें उसे चेंज कराना होगा। फॉर्मेलिटीज के बारे में पता है तुम्हें? पता करता हूं, मैं मैनेजर से इसके बारे में बात करूंगा। अब तो और भी काम करने हैं, हमें पास में कोई स्कूल देखना होगा, एक ऐसा स्कूल जिसमें वो पढ़ सके, जहां उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सब हो जाएगा, बस 2 महीने की बात है समीरा, तब तक ये ड्रामा करना पड़ेगा। अब जबकि वो वापस नहीं जा रहा है तो क्या हम उसे बता सकते हैं कि मैं उसका? हमें उसे बता देने से पहले अगर उसे खुद पता चल जाए। मॉर्निंग। नहीं चाहिए, मैंने कहा ना नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूं। ये अंकल हमेशा यहाँ क्यों रहते हैं? मुझे मेरे पापा के पास जाना है। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ गए, मैंने तुमसे कहा था ना। ये अंकल की वजह से सब हुआ ना। इब्रू चिल्लाओ मत, मेरी बात सुनो। नहीं, आपने मुझसे झूठ बोला है, आपने पापा को छोड़ा है, मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मुझे पापा के पास जाना है। इब्रू, पापा नहीं आएंगे, हटो। इब्रू, रुक जाओ, रुको इब्रू।
इब्रू रुको उसे इब्रू इब्रू रुको इब्रू मेरी बात सुनो इब्रू रुको इब्रू 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 मेरी बात सुनो इब्रू रुको इब्रू उधर मत जाओ इब्रू इब्रू ध्यान रखना मैं ड्यूटी पर हूँ कैजुअलिटी फुल है ध्यान देना मुश्किल होगा क्रिटिकल केसेस को मोसो रिफर कर रहे हैं वो लोग और सपोर्टिंग स्टाफ को भेजना चाहते हैं मैं कहीं नहीं जा सकती उसे इसके बारे में सब पता चल गया तुम बताओ क्या मैं उसका ख्याल नहीं रख सकती हमेशा से मैं डर में जीती आई हूं जब छोटी थी तो पापा का डर फिर डिवोर्स का फैसला और अब इसका शायद वहां जाने की सोच रहा है तुम उससे बात करो वहां जाना सेफ नहीं है इन्हें ले जाओ तुम पक्का वहां आना चाहते हो सकता है आने में 2 हफ्ते भी लग जाएं। जी हाँ डॉक्टर मैं तैयार हूं ओके सुनो ये क्या पागलपन है शाहिद वो देना जरा इब्रू ने ऐसा कह दिया हाँ यही वजह है ना नहीं अभी वो बच्चा है मुझे बुरा नहीं लगा फिर तुम क्यों जा रहे हो हाँ प्लीज रुक जाओ हम उसे सब बता देंगे वो समझ जाएगा मैं जानता हूँ वो सब समझ जाएगा उसे वक्त देना होगा मैं आ रहा तो उसे मैनेज नहीं कर पाओगी देखो समीरा अगर मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से चला जाऊँगा तो वो शांत हो जाएगा और इसी की ज़रूरत है वो एडजस्ट कर लेगा मुझे यकीन है इस सब में तुम इसे मत भूल जाना आर्मी हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है पहुंच के कॉल करूंगा
मम्मी, मैं पापा के पास नहीं जाऊंगा। आप मुझे यहां से नहीं भेजेंगी ना? पीछे हट रहे हैं। देश का लगभग 23% हिस्सा आईएसआईएस के कब्जे में आ चुका है। देखते हैं हमारे देश की सरकार इस विषय में क्या निर्णय लेती है। समीरा, आई एम हेल्पलेस। कोई भी कनेक्टिविटी मौसूल से नहीं मिल रही है। अपने एम्बेसी से कांटेक्ट करिए प्लीज। सर, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने कहा था हम आपकी गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे मेरा हस्बैंड वापस चाहिए। यूसुफ सर, मेरे हस्बैंड को वापस लाइए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर मेरे हस्बैंड को वापस लाइए। सर प्लीज मेरी मदद कीजिए। सर समीरा, सर समीरा यहाँ हो, मेरी बात सुनो। शायद इनकी गवर्नमेंट के लिए वहाँ गया, ये ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब तक शायद नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जाऊंगी। समीरा उठो, ऐसे बिहेव करना ठीक नहीं है। हम यहाँ के स्टाफ हैं। मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। समीरा, प्लीज साइड दीजिए। यूसुफ सर, यहाँ। यूसुफ सर प्लीज मेरी बात सुनिए। सर आपने कहा था हम आपकी गवर्नमेंट पर विश्वास रखें। सर अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मेरा हस्बैंड वापस चाहिए। समीरा प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मौसूल अब इराक के हाथ में नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती। सर अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मेरा हस्बैंड वापस चाहिए। अब मैं कहाँ जाऊँ? प्लीज सर, प्लीज सर। ठीक है, मैं तुम्हारी एक मदद करता हूँ। मैं तुम्हें इंडियन एम्बेसी ले चलता हूँ, तुम उनसे गुजारिश करना, यकीनन तुम्हारी मदद करेंगे वो। फोन नंबर लिखा है ना इसमें? हाँ। ठीक है, आप जाइए, हम आपका केस देखेंगे और फिर आपको बुलाते हैं बाद में। सर मेरे हस्बैंड काम करने के लिए मौसूल गए थे, वो 10 दिन से लापता हैं। प्लीज उन्हें ढूंढिए। मैडम आपके हस्बैंड को हम ढूंढ निकालेंगे, पर ये इतना आसान नहीं है, मौसूल में जंग चल रही है। सर आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर वहाँ जंग चल रही है तो मेरे हस्बैंड को ढूंढिए। हमारी मदद करा साहब, एक साल से मेरा काम कर रही साहब, इधर उधर दौड़ रही कब से मैं। सर मैं उन्हें हर 5 मिनट में कॉल करती हूँ। सर आपके पास ये नंबर है, डॉक्टर तारिक का नंबर। हम बाहर चलिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। आप उन्हें क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? इतना आसान नहीं है, आप समझिए बात। सर उस फाइल में देखिए, आप समझने की कोशिश तो कीजिए कम से कम। प्लीज वो फाइल वापस लेकर आइए। यस मैडम। सर डोंट वरी मैडम, क्या आप वो फाइल वापस मंगवा लेंगे? प्लीज मंगवा लीजिए मैडम, प्लीज काम हो जाएगा। प्लीज वापस मंगवा लीजिए, मैं उसमें अपने हस्बैंड का नंबर लिख दूंगी। सर सर क्या हुआ आपको? सर मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक आप मेरे हस्बैंड का पता नहीं लगा लेते। इन सबको देख रही हो, यहाँ ये सभी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर ही आए हैं। इनमें से कुछ के रिश्तेदार मारे जा चुके हैं, हमें उनकी लाशें लाने में भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में क्या सिर्फ आपके हस्बैंड को ही लाना हमारी प्रायोरिटी है? क्या मुझे उनके मरने का इंतजार करना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इंडिया में बैठी हो? तुम्हें पता है यहां क्या हो रहा है? अ ब्रूटल सिविल वॉर।
हम सब इस ऑफिस में आपकी मदद करने के लिए ही तो बैठे हैं। सरकार ने पहले ही बोल दिया है कि इसे बंद करके चले जाओ, फिर भी हम यहाँ पर इंडियंस के लिए बैठे हैं। तुम्हारी तरह नहीं कि यहां से निकल जाएं। तुम यहां से इंडिया क्यों नहीं चली जाती? आपको पता नहीं हम कितना खर्चा करके यहां आए, यहां तक आने के लिए हमने कितना लोन लिया है। हम भी कोई नौकरी कर सकते हैं पर उसमें हम लोन का इंटरेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। ये अब सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये हर देश की नर्सेस की लड़ाई बन गई है। हमें लोगों की जिंदगी बचाने वाले भगवान कहते हैं पर वो हमारी और हमारे घर की प्रॉब्लम्स को नहीं जानते। हम उन सब मरीज के जीने की दिल से दुआ करते हैं। मुझे यकीन है शाहिद वापस आएगा। सर उसे ढूंढने की कोशिश एक बार जरूर करिएगा, बस इतना ही। मैडम कोई बात नहीं। मुझे मौसुल लेकर चलेंगे? सॉरी समीरा, वहां बहुत खतरा है, चलो वापस चलते हैं। शुक्ला जी, मसोल में हमारे लोगों से बात करवाइए। यस सर। इनका इलाज करो, हमारे लोग मर रहे हैं, जल्दी करो। मैं नहीं कर सकता, मैं आतंकवादियों का इलाज नहीं करता। जैसा कह रहा हूं करो, नहीं तो मारे जाओगे। इस समय इनसे बहस करना ठीक नहीं होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मासूम लोगों को मारना कहीं भी इस्लाम में नहीं लिखा। तुम्हें इलाज करना होगा। नहीं, तुम एक डॉक्टर हो ना। मैं नहीं करूंगा डॉक्टर, प्लीज। तुम इलाज करो। नहीं, मैं नहीं करूंगा डॉक्टर, प्लीज। तुम्हें करना होगा। नहीं करो। नहीं, नहीं तो मारो। डॉक्टर, डॉक्टर, तुम डॉक्टर हो? तुम में से डॉक्टर कौन है?
दिखाओ। आईडी है मेरे पास, ये रही आईडी। मैं नर्स हूं। छोड़ दीजिए, ये मेरी बहन है। यहां तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए, वो यजदी कम्युनिटी से है। यहां यजदी औरतें सुरक्षित नहीं हैं, इसीलिए मैंने उससे शादी की, क्योंकि वो बहुत निडर है। जल्दी करो। लेके जाओ। जल्दी चलो, कहाँ ना, जल्दी जल्दी चलो। कोई जल्दी जल्दी, क्या देख रही हो, चलो अंदर, चल अंदर, इस तरफ इस तरफ, चलो अंदर चल, खड़े मत रहो, इधर चलो। चलती चलो, रुको मत, चलती रहो। चल अंदर अंदर। इन लोगों ने हॉस्पिटल को कैंप बना लिया, यहाँ कोई राखी नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं। इब्रू, इब्रू कहाँ है, इब्रू कहाँ है, आओ। बेबी तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, कुछ नहीं होगा उसे। Thank you.
नमस्ते सर, ये लोग कंस्ट्रक्शन का काम करने आए थे। इन्हें वापस भेजने में सिर्फ पैसे का इशू नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है इनके पास। सर ये बेचारी लड़की खिलौना समझ कर टेडी को उठा ली थी, इसे क्या पता था कि उसमें बॉम्ब है जो ब्लास्ट हो जाएगा। शुक्ला जी। जी सर। मैं इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालना चाहता हूँ। बट सर इनके पासपोर्ट्स कैसे कंफर्म करेंगे कि ये सब इंडियंस हैं? शुक्ला जी मुझे कागजात से कोई लेना देना नहीं है, दो दिनों में मुझे इन लोगों को वापस इंडिया भेजना है, समझे आप? सर हम एक नर्स मिला है जो मसूर की टीचिंग स्कूल से भाग के यहाँ पहुंचा। इधर यही है वो, बहुत डरा हुआ है बेचारा। हम लोग यहाँ से कभी नहीं निकल पाएंगे, ये लोग हर जगह है। देखो उस कार की तरफ, हम यहाँ से निकल सकते हैं, वो दूसरी तरफ है। रोड के उस तरफ नहीं एनसी, इधर है, और वो कार उन लोगों की है। बकवास बंद करो, तुम जरा ध्यान से देखो ना। अगर मैं यहाँ मर गई तो तुम दूसरी शादी मत करना, जब तक जियोगे मेरी याद में ही जीना। मैंने यहाँ के बारे में तुम्हें सब बता दिया, फिर भी तुम नहीं समझ रहे हो। हेलो समीरा, मैं मनोज, इंडियन एम्बेसी से। आर यू ऑल वेल? सर शाहिद के बारे में कुछ पता चला? हम उसे लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अभी रेबेल कैंप में है, हम रेस्क्यू की प्लानिंग कर रहे हैं। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल में सिर्फ वही लोग हैं सर, और सिर्फ हम लोग ही हैं, इराकीस नहीं बचे हैं। डरो मत, हॉस्पिटल फायर जोन में नहीं आता है, आर्मी वाले उस एरिया में फायर नहीं करेंगे, इसलिए वहाँ पर रेबेल कैंप लगाया है। तुम लोग वहाँ कितने हो? हम कुछ 24 लोग हैं सर, उसमें से 4 बांग्लादेश से हैं। ये माँ शब्द तुम लोगों को सिर्फ मरते वक्त याद आता है ना? ये मार काट किस लिए? इस तरह एक दिन तुम्हारा देश ही मिट जाएगा, इससे क्या मिलता है तुम्हें? अब्दुल रहमान रहीम, मैं जीना चाहता हूं। मैं इस्लाम पढ़कर ही बड़ा हुआ, और इस्लाम में नहीं लिखा कि लोगों को मारो, इस्लाम जीने की राह बताता है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मैं मरना नहीं चाहता, मैं जीना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। माँ को देखना चाहता हूँ। पहले हमें तुम्हारी बॉडी से बुलेट निकालनी होगी, पर मैं नहीं कर सकता हूं, तुम्हें डॉक्टर ही बचा सकता है। और यहां एक डॉक्टर है। कहाँ है? कहाँ है? रिबेल्स अब यहाँ नहीं हैं, सब अपने पासपोर्ट लेके बाहर आ जाइए, हम बचाने आए हैं, लेट्स गो, कम ऑन।
हेलो सर, इट्स समीरा, रेड क्रॉस से रेस्क्यू टीम हमें लेने आई है, हम क्या करें? हमें इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, सेफ लगे तभी निकलना। वो लोग खुद के बारे में क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता सर, दूसरे ब्लॉक से लोग उनके पास जा रहे हैं। ओके, लेट मी चेक। सर कह रहे हैं अगर हमें सेफ लगे तभी जाओ। तुम्हें जाना है तो जाओ समीरा, हम नहीं जा रहे। तुम्हें पता है ना, मैं 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, हम कैसे चले जाएं? अपने काम के पूरे पैसे लेके जाएंगे। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा बाहर क्या हो रहा है? हमें सिर्फ अपनी जान बचानी है। तुम्हें इसलिए वहाँ जाना है ना समीरा, क्योंकि तुम्हारा मकसद है शाहिद को ढूंढना, पर हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम बिना सैलरी लिए कहीं नहीं जाएंगे। सर उन लोगों को कुर्दिस्तान ले जा रहे हैं। क्या सेफ है? नहीं सर, वो रास्ता बहुत खतरनाक है, वहाँ जंग चल रही है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, एक हफ्ते में यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं होगा, फिर हम कैसे जिएंगे? यहाँ गवर्नमेंट को संभालने में टाइम लगेगा, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? मैं अपने पापा से क्या कहूंगी, उन्होंने कहा था पैसा लेकर आना या मत आना। हमें किसी भी तरह जिंदा रहना पड़ेगा, हम बन नहीं सकते, और हमारी सैलरी पे हमारा पूरा हक बनता है। मैं इस तरह खाली हाथ घर नहीं जा सकती समीरा। सर ये जो रेड एरियाज है इन्हें क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट है। कुछ और सोचते हैं शुक्ला जी, आपको क्या लगता है हमें दिल्ली बात करनी चाहिए? सर एक बार फॉरेन सेक्रेटरी से बात हो जाती तो। हम सबको एक साथ रहना चाहिए, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे फिर आगे संभालना मुश्किल होगा। अब यहाँ क्या बाकी है, एक बार समझने की कोशिश करो, हमें घर जिंदा लौटना है। हाँ यस मनोज, इतनी लेट नाइट फोन किया? सर तकरीब में फंसी हुई नर्सों के बारे में बात करनी है, रेड क्रॉस की गाड़ियां उन्हें शिफ्ट करवाने के लिए आई हैं। व्हाट शुड वी डू? यू टेक योर ओन डिसीजन मनोज, I don't want to interfere. It's your division. Okay. इंडियन पासपोर्ट नहीं जा सकते, आई एम सॉरी। वेल इंडियंस अलाउड नहीं है, आप अपने एम्बेसी को कांटेक्ट करिए। रुको मैं उन्हें फोन करती हूँ। सॉरी समीरा, इंडियन एम्बेसी को नहीं लगता कि वो रूट सेफ है। पासपोर्ट दिखाइए, जल्दी करिए प्लीज, हरी अप। बंदूकधारियों ने कई सारी नर्स समेत कई लोगों को बंधक बनाया हुआ है। इस सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एम्बेसी भी शामिल है। लोकल सोर्सेस बता रहे हैं कि बचने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए, रेड क्रॉस उनको बचाने के लिए कुर्दिस्तान ले जा रही थी, इस तरह उनको खतरा था। इस बीच कई वॉर जोन्स भी मिलते, मुझे ये सेफ नहीं लगा। अभी हॉस्पिटल में 19 भारतीय नर्सें नो फायर जोन में है, इसका मतलब है कि वो सेफ है। इंडियन गवर्नमेंट का रेस्क्यू ऑपरेशन 100% सेफ है, इसलिए हम भी इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, उम्मीद करते हैं वो सुरक्षित निकल आए। शाहिद दूसरे ब्लॉक में है माँ, फोन भी नहीं लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। बेटा तुम अपना ख्याल रखना। कुछ नहीं होगा माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शाहिद से मिलकर मैं आपको कॉल करती हूँ। But that is a big if. A few Indians have already been airlifted from the Iraqi city of Samarra, which is...
यहां से भागने की कोशिश मत करना, तुम सब इस्लामिक स्टेट के कंट्रोल में हो। चलो सब लोग अपना मोबाइल निकालो, मोबाइल दो, मोबाइल 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 दो, लाओ लाओ इधर, चलो अपना मोबाइल लाओ, चलो लाओ लाओ लाओ, ए निकाल मोबाइल। मोबाइल लाओ, मोबाइल लो इधर, मोबाइल लाओ, मोबाइल लाओ, जल्दी निकालो मोबाइल दो, मोबाइल लाओ, मोबाइल लाओ। औरतों की इज्जत ना करना तुम्हें सिखाता है? मैं भी मुस्लिम हूं, अंदर एक औरत तुमसे डरी हुई है, मैं उसका मोबाइल लेकर आती हूं। मैं समीरा हूं, दरवाजा खोलो, अपना फोन ही नहीं दे दो, खोलो। अपने आप को समझते क्या हो? रेड क्रॉस ऑप्शन हमारे पास गोल्डन चांस था। सर आपने ही कहा था मुझे जो सही लगे मैं करूं, रेड क्रॉस का ऑप्शन मुझे सेफ नहीं लगा। सर हाउ वाज योर फ्लाइट? अरे फ्लाइट को छोड़ो शुक्ला, तुमने मीडिया से बात क्यों की? तुम्हें पता नहीं ये सारी बातें हमें कॉन्फिडेंशियल रखनी थी, सारी जिम्मेदारी मेरी है, उंगलियां मुझ पर उठ रही है। सॉरी सर, सिर्फ नर्सेस के परिवार को हिम्मत देने के लिए मैंने मीडिया से बात की, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन उन्हें पैनिक कर सकती है, और मैं क्या करता। तुम्हारा मतलब यह है कि मैं प्रेस वालों को गलत इंफॉर्मेशन दे रहा हूं? हेलो, व्हाट, व्हेन? टीवी ऑन करो जल्दी। देयर, मैं देखता हूँ उसके बाद कॉल करता हूँ। रेड क्रॉस की गाड़ियाँ जो टिकरित से निकली थी उन्हें किरकुट के बीच में रास्ते में जला दिया है। सारे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी नागरिक मारे गए। इंडियन एम्बेसी के समय पे फैसला लेने से 19 नर्सों की जान बच चुकी है जो अभी भी तिरकिट के टीचिंग हॉस्पिटल में सेफ है। सर देयर इज अ कॉल फ्रॉम दिल्ली। फोन ट्रांसफर कर दो, मैं बात करता हूँ। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, मैडम अभी ज्वाइन करेगा एंड द कॉल विल बी पास टू केला सीएम। यस सर। थैंक यू मनोज, वक्त पर तुमने सही काम किया, होप सभी नर्स ठीक होंगी। उम्मीद यही है मैडम, लेकिन अब उनके पास मोबाइल फोन्स भी नहीं रहे हैं, इसका मतलब अब कम्युनिकेशन और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आगे का प्लान क्या है? सबसे पहले हमें उन्हें एक सैटेलाइट फोन देना होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? यूएन उन तक खाना पहुंचाएगा मैडम, और उसमें से एक बॉक्स में हम सैटेलाइट फोन भेजेंगे। तुम्हारा क्या प्लान है? बीच में टोकने के लिए माफी चाहता हूँ मैम, मैं राजन बोल रहा हूँ, फॉरेन सेक्रेटरी। मॉर्निंग राजन, बोलिए। मैडम मुझे लगता है कि मिलिट्री ऑपरेशन का हमें साथ देना चाहिए, इराक से हमारे संबंध अच्छे हैं। मनोज इसमें चांसेस क्या है? ये बहुत खतरनाक है मैडम, इसमें कोई चांसेस नहीं लग रहे हैं। मनोज लाइन पर सीएम है, तुम हमें सॉल्यूशन बताओ, हम वैसे भी परेशान हैं, हमें और परेशानी में मत डालो। सर उन्हें बचाने में ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना रिस्की है क्योंकि वहाँ कभी भी गोलीबारी हो सकती है, एयरलिफ्ट भी पॉसिबल नहीं है, सिर्फ एयरविल एयरपोर्ट से निकलने का रास्ता है जो कि 300 किलोमीटर दूर है, जबकि रेड क्रॉस की गाड़ियाँ 50 किलोमीटर भी नहीं जा पाई थी। तुम्हारा मतलब है कि जब तक वार खत्म नहीं होता हम उन्हें वहीं रहने दें? तो क्या हमारे पास इससे अच्छा प्लान है? नो मैडम। बाहर पूरी दुनिया चांद देख रही है,
और हम यहां पर। शुरू करो। यह प्रोहिबिटेड एरिया है, इसे बड़ी मुश्किल से लेकर आया हूं ऑफिशियल बैग में छुपाकर। टू रेस्क्यू एंड पीस। तो ये बताओ कि मिसेस टीना मनोज दिल्ली में क्या कर रही है? वो भी पहले रेस्क्यू ही चाहती है फ्रॉम मी, उसके बाद शांति होगी। मैं एक वक्त पर दो रेस्क्यू प्लान नहीं कर सकता सर। तुम जवान हो मनोज, गवर्नमेंट को तुम्हारी सर्विस अच्छी लगी, पर वो तुम्हारी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं ले सकती। ये बात तुम्हें समझनी होगी। अभी मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है सर, कि उन सारी नर्सेस को एयरलिफ्ट करवाना। यह नामुमकिन है मनोज। उन लोगों की चंगुल में जो एक बार फंस गया वो कभी बाहर नहीं निकल पाया। हम यहां पर एक दर्शक से ज्यादा कुछ भी नहीं है, उनका बचना मुश्किल है। इराक में हमारे भारतीय नागरिकों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। कई लोगों ने एम्बेसी और गवर्नमेंट के खिलाफ नाराजगी जताई है, पर वो अब कब तक सुरक्षित रहेंगे? सर, तिकरित से मौसूल का रास्ता रिबल्स के अंडर कंट्रोल में है। इस रास्ते से हम ट्रांसपोर्ट के जरिए नर्सेस को यहाँ ला सकते हैं। तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। सर, हमें इराकी मिलिट्री से बात करनी चाहिए कि वो लोग हॉस्पिटल को नो फायर जोन की तरह ट्रीट ना करें, एंड द रिबल्स विल नो दैट वेरी सून। तुम इसे और ज्यादा खतरनाक बना रहे हो। नहीं सर, जहां तक मुझे लगता है कि वो लोग नर्सेस को ढाल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। उन लोगों से नर्सेस को बचाने की जरूरत है। इफ एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, रिबल्स को उन्हें अपने मोसुल कैंप में शिफ्ट करना ही होगा। मोसुल में ही क्यों? रिबल्स के सभी कमांडिंग ऑफिसर मोसुल के बेस कैंप में ही हैं, और जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाते कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। पर जानते हो कि वो नेगोशिएट नहीं करेंगे। सर, इंडियंस नेगोशिएट नहीं करेंगे, लेकिन वो अपने सप्लायर्स की जरूर सुनेंगे। द सऊदी ग्रुप, रेबल्स को उन्हीं से फंड मिलता है, वो हमारे काम आ सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? इंडिया को उनके सामने झुकना पड़ेगा। सर, हम उनसे अनऑफिशियली डील कर सकते हैं, हमारे पास इसके लिए लोग भी हैं। क्रिसेंट ग्रुप के चेयरमैन जयमोहन सर, वो इसके लिए सही हैं। उन्हें इसके लिए बात करने दीजिए। मनोज देखो, तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। पूरे देश की नजर हम पर है, उन्हें यहाँ के हालात पता नहीं है। एक्सक्यूज मी सर, इराकी एम्बेसडर मनोज लाइन पर है, आपसे बात करना चाहते हैं। गिव अस अ मिनट जेंटलमैन। हां तो मनोज, मैं तो ये सोच रहा था कि उन रिबेल्स की बेवकूफियों से वो 19 नर्सेज बच सकती है, और इराक जैसी जगह पर इट्स क्लोज टू सुसाइड।
अगर सऊदी के लोग मान भी जाएं, पर आपके सिर्फ कहने पर कौन मानेगा? आतंकवादियों के डर से कोई सामने नहीं आएगा। सर 20 दिन से वो सारी नर्सेज वहाँ मौत के डर में जी रही हैं। सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो ये सब फेस कर रही हैं। कुछ करना होगा सर। कोशिश करो और कुवैत में ले आओ, मैं एक प्राइवेट फ्लाइट अरेंज करता हूँ। इसके अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं है। आई एम सॉरी सर। सर पक्की खबर है, समीना के हस्बैंड का मिलना मुश्किल है। सबके साथ साथ मेरी बेटी भी अब तक वहां फंसी हुई है। हम तमिलनाडु के टूटीकोरन के रहने वाले हैं। मैं सरकार से विनती करती हूँ कि मेरी बेटी को बचा लीजिए। टेल मी मनोज, मुझे किससे बात करनी चाहिए? सर मोहन सर एग्री हो गए। सो व्हाट्स नेक्स्ट? अब हमें आगे क्या करना चाहिए? समीरा शहीद, वो इस ग्रुप में एक ही मुस्लिम है एंड आई थिंक शी इज कैपेबल। आर यू श्योर? यस सर, उसे वर्क एक्सपीरियंस भी है और अरेबिक भी आती है। वो चाहती है मसूल से उसके हस्बैंड को जिंदा वापस लाया जाए, इसके लिए वो कोशिश भी कर रही है, बट अनफॉर्चुनेटली ही इज नो मोर। इस केस में जब तक इवैक्यूएशन ना हो समीरा को ना पता चले। अगर समीरा ने होप खो दिया फिर कोई भी नहीं बच पाएगा। इट्स कोलैटरल डैमेज। ओके सर, सबसे पहले हॉस्पिटल से नो फायर जोन को हटाना पड़ेगा। वो लोग वहां कभी भी हमला कर सकते हैं। ठीक है सर। अब यूएन फूड सप्लाई की बारी है। अरे घर आया, चलो लेके जाओ, अंदर जाओ, उठा के लेके जाओ, अंदर रखना।
बेटा लो पानी पी लो। खाना खाओ और जल्दी तैयार हो जाओ, हमें मोसुल के लिए निकलना है। खाना खा के रेडी हो जाओ, वो हमें मोसुल शिफ्ट कर रहे हैं। समीरा समीरा? हाँ समीरा, आर यू ऑल सेफ? हाँ सर, हम बेसमेंट में हैं सर। शायद शायद यही है रिफ्यूजी कैंप में। समीरा बस थोड़ी सी और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कल तुम सब इराक से आजाद हो जाओगे। पर सर उन लोगों ने हमें रेडी होने को कहा है, वो हमें मोसुल शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ ले जाना तुम्हारी आजादी का रास्ता है, ट्रस्ट मी समीरा। उनसे कहो कि वो सब कल इंडिया पहुंच जाएंगे, वो भी सेफ। समीरा इस फोन से घर पे कॉल मत करना, नहीं तो वो तुम्हारा नंबर ट्रैक कर लेंगे। हाँ। ओके? तुम पागल हो, रेबेल्स के साथ भेजना बेवकूफी होगी, हमें दूसरा कोई ऑप्शन सोचना होगा। मंत्री जी, वहां पर हमले बढ़ चुके हैं, ऐसे में अगर नर्सेस को छोड़ेंगे तो वो क्या करेंगी? I'm sorry. उनके पास कोई रास्ता नहीं है सर। हेलो सर, वो जाने के लिए रेडी हैं। They are confident. पर हम अभी कॉन्फिडेंट नहीं है मनोज, लेट्स ड्रॉप दिस। मिनिस्टर ने जयमोहन को पर्सनली इसे रोकने के लिए कहा है, नर्सेस इराकी आर्मी से रेस्क्यूड कर ली जाएंगी। पर सर वो मेरे कहने पर वहाँ जा रहे हैं, मिलिट्री इंटरफेयर करेगी तो वो सबको मार डालेंगे, आई एम श्योर। मेरी बात सुनो मनोज, उनसे कहो कि वो वापस लौट आए। मैं उन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता सर। I am taking the responsibility. No, 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 Manoj. Minister को बोलिए कि वो on the way. Busy है सर, एक function attend करने के लिए बहरीन जा रहे हैं। कौन है सलीम? इराकी ambassador मनोज का फोन है। Minister ने तो ना बोल दिया है, अब फिर क्या बात करूँ मैं उससे? Sorry sir, disturb करने के लिए माफी चाहता हूँ। इराक में हमारी नर्सेस फंस चुकी हैं, इस बारे में बात करनी थी। आप अपनी यात्रा से कब वापस आ रहे हैं? मुझे यकीन है सर कि वो सबकी सब नर्सेस बच जाएंगी। बस 5 मिनट, आप उन लोगों से बात कर लीजिए। प्लीज कनेक्ट कीजिए। समीरा, मैं किसी से तुम्हारी बात करवाने जा रहा हूं, एक ऐसा आदमी जो तुम सबको बचा सकता है। वो तुम्हारे हालात जानना चाहते हैं, उन्हें यह महसूस होना चाहिए कि वहां तुम सबकी जान कितनी जोखिम में है। सिर्फ वही है जो तुम सबको बचा सकते हैं। मेरी सलमान शेख से अपॉइंटमेंट फिक्स करो। पर कब सर? अभी इसी वक्त। समीरा तुम्हें रास्ते में बहुत सारे चेक पॉइंट्स मिलेंगे, ऑलवेज कवर योर हेड। तुम लोगों को मोसूल के रेबल्स के कैंप में ले जाया जा रहा है और वहां तुम्हें उनके खतरनाक और मेन लीडर्स मिलेंगे। उन सबके सामने तुम्हें मुस्लिम बनकर ही रहना पड़ेगा। अगर उन्हें पता चला कि तुम में से एक भी नॉन मुस्लिम है तो वो तुम सबको मार देंगे।
उन्हें जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए। समीरा, इन सबको नमाज और दुआ करना सिखाओ। किसी के पास कोई भी धार्मिक सामान नहीं होना चाहिए। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जलाकर राख कर देना ताकि उन्हें कोई भी सबूत ना मिल पाए। यहाँ पर सभी नर्सेस हाजिर हैं? क्या यहाँ पर सभी नर्सेस हाजिर हैं? जल्दी आओ, जल्दी करो, सब स्पीकर निकालो, पोजीशन में आ जाओ। की रिपोर्ट बता रही है कि भारतीय नर्सेस अभी भी कहीं फंसी हैं। मनोज सरदिया से, वो वहां से निकल चुके हैं। थैंक गॉड। सो व्हाट्स नेक्स्ट? जयमोहन सर से मीटिंग, उनके मौसूल पहुंचने से पहले उनका पॉजिटिव रिस्पांस। सर, वो रेबल के अंडर कंट्रोल वाले रास्ते से जा रहे हैं, वो मौसूल जल्दी पहुंचने वाले हैं। Meeting has started. जल्दी उतरो, चलो आओ, आ जाओ, चलो आओ, चलो सीधे आओ, इधर चलो, चलो इधर चलो, इधर आओ, इधर से चलो, इधर आओ।
शुक्ला जी सर, हमें कैसे भी एयरबिल बॉर्डर जाना होगा, उनके लिए एक बस का इंतजाम कीजिए जल्दी। ओके सर। अब यहां इराक में क्यों आए हो? तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं, अपने यहां आने की वजह बताओ। हम नर्स हैं इंडिया से। पासपोर्ट दिखाओ या कोई कागजात जिससे तुम खुद को साबित कर सको। सर पूरे 20 इमरजेंसी सर्टिफिकेट्स, सारे क्लीन बट टेम्पररी, वो लोग बस इसी ट्रिप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, वो हमारे स्पॉन्सर के पास है। अगर तुम्हारे पास पासपोर्ट नहीं तो यहां तक कैसे पहुंची? तुम्हारा इसमें शरीफ क्या है? कागजात नहीं है तो किनारे चली जाओ। सर मीटिंग खत्म हो चुका है, लगता है पॉजिटिव है। थैंक यू सलीम, थैंक यू। चले अजान की आवाज सुनाई देते ही दुआ की रस्म अदा करना मत भूलना, उनकी नजर हमेशा तुम सब पर होगी। क्या तुम सब मुस्लिम हो? हाँ हम सब मुस्लिम हैं। तो फिर तुम्हें अरबी जबान का इल्म क्यों नहीं है? क्या तुम कुरान को अपनी जबान में बोल सकती हो? हाँ हमारी भाषा में, हिंदी में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लू अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। कुल्लू अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद। वलम यकुलहुम कुफन अहद। लाम यलद वलम युलद वलम यकुलहुम कुफन अहद। इनका ख्याल रखो। ये पानी तुम्हारे लिए है, सब लोग पी लो। ये लो, सबको दे दो, सबको। अपने अपने मोबाइल फोन्स ले लो। सर इट्स समीरा, उन लोगों ने हमारे मोबाइल्स लौटा दिए, वो हमें बॉर्डर पार ले जाएंगे। वी आर ऑलमोस्ट देयर, जब तक तुम लोग बॉर्डर पहुंचोगे हम भी आ जाएंगे। सर शाहिद से मेरी बात करा सकते हैं? उसका फोन नहीं लग रहा है। हेलो सर, हेलो
समीरा, शाहिद अभी तक हमें मिला नहीं है। सर, आपने कहा था शाहिद मिल गया है, फिर अब आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? समीरा, मैंने तुम्हें स्ट्रांग रखने के लिए ऐसा कहा था। जहां शाहिद था वहां से यह खबर आई है कि वहां कोई जिंदा नहीं बचा। I'm sorry. सर, मम्मी क्या हुआ? मम्मी, समीरा, समीरा क्या हुआ? समीरा, बताओ तो सही, क्या हो गया? समीरा, क्या बात है, बताओ। वो कह रहे हैं कि शायद उनके पास नहीं है। मुझे यकीन है कि वो ठीक होगा। शांत हो जाओ। सब कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक होगा। रो मत, यकीन करो, उसे कुछ नहीं होगा। समीरा, तो संभालो। समीरा, देखो इब्रो भी रो रहा है। तुम लोग देख सकते हो, वो लोग अपनी ही कब्र खोद रहे हैं वही जहां वो खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम अपने हस्बैंड को देखना चाहती हो तो जाओ, जल्दी जाओ। Any updates? Did they reach? No, sir. Still waiting. Bus पहुंच गई है sir. ये क्या हो रहा है? आर्मी स्नाइपर्स बस को क्यों रोक रहे हैं? चाहते क्या हैं वो हमसे? ये उनके अपने प्रोसीजर है मनोज, ये हमारा देश नहीं है, हम उनसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो प्लीज सर, रिक्वेस्ट कीजिए, नहीं तो मैं करता हूँ।
had a spinal cord. Thank you, sir. समीरा के बिना ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंडिया के लिए कभी पॉसिबल नहीं था। उसका शाहिद से मिलने का जुनून ही हमारा सबसे बड़ा हथियार था। उसकी हिम्मत से ये मुमकिन हुआ, नहीं तो हम हमारी 19 नर्सेस को कभी नहीं बचा पाते। काम करते हैं और अब हम सुरक्षित हैं और साथ ही जयमोहन सर ने भी इस रेस्क्यू में अहम योगदान दिया। ये वीडियो तो सिर्फ मिलिटेंट्स के लिए एक प्रूफ है, पर इन्होंने सलमान शेख के साथ एक डील की थी जो किसी को नहीं पता चली और वो एक रहस्य बनकर रह गया। टेक ऑफ कंफर्म।